इस समय हम बोईसर में रिपब्लिकन बहुजन सेना के मध्यवर्ती कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पर हम मुलाकात करने वाले हैं रिपब्लिकन बहुजन सेना के राष्ट्रीय महिला संगठक रवीना शेख मैडम से, और साथ ही नए नियुक्त जिला अध्यक्ष श्री अमर सावंत साहब से। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी सुरक्षा अभियान नामक एक अभियान शुरू किया है अमर सावंत जी ने, जो कि बोईसर, पालघर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो स्कूली बच्चे होते हैं जिन्हें वाहन स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जाते हैं, उन बच्चों को ड्राइवर कैबिन में बैठा देखा गया है, जो कि खतरनाक है। और इसके ऊपर आवाज उठाते हुए साथ ही और भी जो दूसरे वाहन है उनमें भी इस तरीके की जो है क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिठाया जाता है। स्कूलों को भी उन्होंने पत्र व्यवहार किया है, स्कूलों से भी पत्र व्यवहार किया है, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वहां भी उन्होंने इस बात को रखी है कि बच्चों की जान से जो है वो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको एक खबर हम बता दें कि हमारे पिछली खबर में हमने दिखाया था कि अमर सावंत साहब ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो MLA है ज्ञानेश्वर महात्रे जी, उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने भी ये बात मानी थी कि बच्चों की जान के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं इनसे इस अभियान के बारे में और इनके आगे के जो कदम होंगे उनके बारे में। जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। मी प्रवीणा शेख, रिपब्लिकन बहुजन सेना ची महिला राष्ट्रीय संघटक। आज आपल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये अमर सावंत साहेबांनी विद्यार्थी सुरक्षा अभियान सुरू केलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये त्यांना आमचा व आमच्या पक्षाचा पूर्णपणे सपोर्ट आहे आणि आम्ही त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहेत। या अभियानाच्या द्वारे माध्यमातून जीही मदत लागेल तर आम्ही त्यांना खूप करायला तयार आहोत। नमस्कार, जय भीम, जय शिवराय। मी अमर सावंत, रिपब्लिकन बहुजन सेना जिल्हा अध्यक्ष। विद्यार्थी सुरक्षा अभियान जे सुरू केलं आहे त्याच्यावर काही प्रकाश टाकणार आपण? आपण जे विद्यार्थी सुरक्षा अभियान चालू केलं आहे आम्ही रिपब्लिकन बहुजन सेना चे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली तो अभियान चालू केलं आहे आपण। त्या अभियानामध्ये विद्यार्थींचा जीव धोक्यात, ज्यांचा जीवाला धोका निर्माण होणं ते कुठेतरी थांबवण्यासाठी आपण हा अभियान चालू केलेला आहे। कुठेतरी आपण पत्रव्यवहार बऱ्याच ठिकाणी आपण केले, जसं ट्राफिक वाल्यांना पण पत्रव्यवहार केले, शाळेची पत्रव्यवहार जेव्हा केला आपण तेव्हा शाळेने अशी पत्र पालकांना दिलेत की शाळा जिम्मेदार नाहीये, जे लहान मुलं वाहन जे बसेसची जिम्मेदारी आमच्याकडे नाहीये, असे माझ्या पत्रव्यवहार नंतर पालकांकडे असे मेसेज दिले गेलेत। आपण शाळेला पण विचारलं, प्राध्यापकांना विचारलं तर ते बोललेत की आमच्याकडे वाहनं नाहीयेत त्यामुळे आम्ही त्यांची जिम्मेदारी घेऊ शकत नाही। पण कुठेतरी शाळेचा जो नियम आहेत नियमात ते कामं करत नाही। शाळेचे प्राध्यापक असू दे, चालक असू दे, वाहन चालक असू दे किंवा पालक, अजून त्याचं पण उत्तर आलेलं नाही आहे। पण आपण परत वारंवार जाणार होते शाळेमध्ये आणि जोपर्यंत हे जे प्रकार चालू आहे क्षमतेपेक्षा जास्त वाहनात म्हणजे चिमुकल्या मुलांना घेऊन जात आहेत ते कुठेतरी आपल्याला आम्ही थांबवणारच। त्याशिवाय रिपब्लिकन बहुजन सेना गप्प बसणार नाही। रिपब्लिकन बहुजन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय घाटे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हा अभियान चालू होता आणि जर कुठेतरी हा अभियानाला साथ भेटली नाही शाळांची पालकांची व चालक मालक हा नियमाप्रमाणे नाही चालले तर आम्ही हा अभियान आंदोलनामध्ये बदल होईल। मी तर एवढंच बोलेन शाळेना की जे परिवहन समितीच्या नियमानुसार जर वाहन चालक मुलांना ये जा करत असेल तर आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये। म्हात्रे साहेबांनी तर डायरेक्ट बोललेत की बाबा शाळांची पण तेवढी जिम्मेदारी आहे तेवढी पालकांची आहे, शाळा ही जिम्मेदारी हातवर करून चालणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे। आता पुढे जे वाहन चालक आहेत व शाळा आहे ह्यांनी नियमाप्रमाणे चाललं पाहिजे, नाही चाललं तर मग आम्ही पुढे हा जो अभियान आहे तो आंदोलनामध्ये बदली होईल। आणि नियमाप्रमाणे चालले तर चांगलीच गोष्ट आहे, पण चिमुकल्या मुलांचा जीव धोक्यात टाकून वाहन चालक पुढे आपल्या सीटपेक्षा जास्तच मुलांना भरणार तर हे चुकीचं आहे। कुठेतरी शासनाने पण ह्याच्यावरती बांधा घालावी, हेच माझं बोलणं आहे। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है रिपब्लिकन बहुजन सेना पूरी तरह गंभीरपणे जो है अमर सावंत साहब के जो ये अभियान है विद्यार्थी सुरक्षा अभियान के पीछे खड़ी है और पूरा साथ देने पर जो है बात हो रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय महिला संगठक प्रवीणा मैडम ने भी कहा है कि हम पूरे जो है ताकत के साथ अमर सावंत जी का साथ देंगे। और वहीं पर हम आपको एक बात बता दें कि रास्ते पर
जो बसेस चल रही है जिनमें इस तरीके से जो है बच्चों को आगे ड्राइवर कैबिन में बिठाया जा रहा है, उनके जान के साथ धोखा किया जा रहा है, इस पर अमन सावंत साहब रास्ते पर उतरकर बसों को रोकते हुए और उन्हें जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप सेफ्टी सुरक्षा का पालन करें और बच्चों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर बिठाएं। और आगे देखते रहेंगे इस खबरों में आगे क्या क्या होता है इस अभियान में। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पूरे जिले का जो है वो दौरा किया जाएगा अमर सावंत साहब की तरफ से, और पूरे जिले में क्या क्या मसले हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब पर भी बात करके उसको निवारण किस तरह किया जाए उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कैमरामैन मंथन त्रिवेदी के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए बोईसर से।